हेलो एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी है नारियल के लड्डू, जिसके लिए मैंने लिए हैं नारियल, कच्चे नारियल हैं। ये देखिए, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब इनको सबसे पहले छील लेंगे, छील के मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। सबसे पहले एक प्लेट लेंगे और इस तरह से प्लेट की मदद से इसके पीछे का हिस्सा छील लेंगे। ये देखो, इस तरह से जो काले काले हिस्से को अलग कर लेंगे, बहुत आसानी से ये छिल जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका निकल जा रहा है। इसी तरह से छील लेंगे इन्हें। ये लीजिए, ये छिल गया है। ये देखो, इसी तरह से सबको छील लेंगे। ये देखिए, मैंने सबको छील लिया है और अब इनको धो लेंगे। ये देखिए, मैंने इनको धो लिया है। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें इस तरह टुकड़े करके डाल दिए हैं और इसको दरदरा पीस लेंगे। पेस्ट नहीं बनाएंगे। ये देखो, इस तरह से पीसेंगे इसको दरदरा का। ये देखिए, इसी तरह से पीसना है। मशीन को रुक रुक के चलाएंगे ताकि दरदरा पीस जाए। ये देखिए, मैंने सबको पीस लिया है, कितने अच्छे से ये पिसा है, एकदम दरदरा सा। इसके लड्डू बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे। ये देखो कितने अच्छे से पिस के तैयार हुआ है। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे पिसा हुआ नारियल। गैस अभी ऑन नहीं करेंगे और आप इसमें डाल देंगे गुड़। यहाँ मैं आधा किलो गुड़ ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 4-5 नारियल लिए हैं, उसमें मैंने आधा किलो गुड़ डाला है। अब इसको हाथों से मसलते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि नारियल और गुड़ अच्छे से मैश हो जाए। ये देखिए, इस तरह से मैश करना है। ये देखो कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। ये देखिए, अब गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन करके अब गैस पे रख देंगे कढ़ाई को। अब इसको चलाते रहेंगे हाई फ्लेम से 2 मिनट के लिए। इसको पहले पका लेंगे, 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। फिर मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। इसको इस तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए, इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। अब मैं इसको इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भून लूँगी। कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे ताकि जो अच्छे से भुन जाए। ये देखो, इसमें से थोड़ा गुड़ पिघलने लगा है। अब इसको पूरी तरह से सुखा लेंगे और जो अच्छे से इसको भून लेंगे। नारियल में से हल्का हल्का तेल जब छोड़ने लगे तो ये भून के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसका पूरा पानी सूख गया है। और इसी तरह से चलाते रहेंगे, इसे थोड़ा और चलाएंगे। मुझे यहाँ इसे भूनने में 10 से 12 मिनट लगे हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है। ये देखिए, इसे हल्का हल्का तेल भी छोड़ दिया है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब गैस को बंद करके इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसको ये ठंडा होएगा, उसके बाद ही अपन इसके लड्डू बनाएंगे। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए, ये ठंडे हो गए। अब चलो लड्डू बनाते हैं। एकदम पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे, पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे इसके। अब इसके लड्डू बनाएंगे। इसके छोटे छोटे पार्ट लेंगे हाथ में और इस तरह से इसको हाथ में लेके फिर दोनों हाथों से गोल करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लड्डू बना है, एकदम चिकना सा लड्डू। कितने अच्छे से बना है ये, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए, इतनी जल्दी बन गया है। इसी तरह से एक और लड्डू बनाएंगे। ऐसे लेंगे। आप लड्डू का साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं।
इसी तरह से हाथ में रोल करेंगे और इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। ये देखो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिए हैं कि अभी थोड़े और ठंडे हो जाए। ये देखो सारे लड्डू मैंने निकाल लिए हैं। कितने अच्छे लगे हैं। ये दीजिए टेस्टी नारियल के लड्डू बनके और बिल्कुल तैयार। देखिए देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। इनको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बहुत आसानी से और ये बन जाता है। भगवान के भोग के लिए मैंने ये लड्डू बनाए हैं जन्माष्टमी पर। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।